सब्सक्राइब कीजिए ट्विकी टॉकर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास है फ्रेम में अमेजोन से परचेस किया हुआ मी बेसिक ईयरफोन्स। अपन जानने वाले हैं इसकी डिटेल्स, प्राइसिंग कैसे अपन इसको काम में लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसका जो सेफ्टी पैकेज है इसको कट करना पड़ेगा एक चाकू से। तो फटाफट चाकू लेके इसको एक बार कट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये अपना पैकेज ओपन हो चुका है और यहां से निकल के आएगा अपना ये बॉक्स, थोड़ा मुड़ा हुआ है। ये है अपना मी ईयरफोन बेसिक। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, उसके पहले देख लेते हैं पैकेज के अंदर कुछ और ना हो। ये पेपर वर्क है, इसको अपन रख देते साइड में। और भैया हो चुका है पूरा पैकेट खाली, इसको रख देते हैं अपन साइड में और जो मेन फोकस है वो डालते हैं इसी मी ईयरफोन बेसिक्स पर। तो दोस्तों ये है अपना मी ईयरफोन बेसिक्स का बॉक्स, नीचे कुछ वही चाइना मैन्युफैक्चरिंग दी हुई है और बैक साइड पर नेट क्वांटिटी 1 यूनिट वगैरह वगैरह दिया हुआ है, मॉडल नंबर दिया हुआ है। तो चलिए तोड़ते हैं इस सील को फाइनली यहाँ से। आई गेस इसको यहाँ से भी खोलना होगा इसको निकालने के लिए। यहाँ से ऐसे ओपन होगा ये। ओके, तो अपना बॉक्स जो है वो ओपन होके आ चुका है, इसको निकालते हैं अपने। तो अपना जो मी ईयरफोन्स है वो बॉक्स के बाहर कुछ इस तरीके से निकलता है। रेड कलर का है इसका ईयर पीस और इसके साथ मिल जाती है मुझे एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, इसको रखते हैं साइड में। और अपना जो मेन फोकस है अभी डालते हैं इस मी बेसिक ईयरफोन के ऊपर। तो दोस्तों यही है अपना मी बेसिक ईयरफोन, इस प्लास्टिक के पैकेजिंग से भी बाहर निकाल लेते हैं इसको। और दोस्तों ईयरफोन काम कर रहे हैं कैसा उसको बताने के पहले एक बार क्विक स्पेसिफिकेशन अपन देख लेते हैं इस बॉक्स के ऊपर। तो अपने को देखने को मिल जाता है यहाँ पर बॉक्स पे टाइप इन ईयर ईयरफोन्स। इम्पेंडेंस जो है इसकी 32 ओम्स है, वेट है 14 ग्राम्स, केबल लेंथ है 1.25 मीटर, टीपीई टाइप, जैक टाइप है 3.5 mm ऑडियो जैक अपने को पता है, और रेटेड पावर जो है इसका 5 mW। और एक बताना चाहूंगा जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है 20 Hz और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 20,000 Hz यानी 20 kHz। तो यहाँ पे जो है मिनिमम रेंज भी अच्छे से कैच करेगा और काफी अच्छी साउंड क्वालिटी देने वाला है। बाकी यही है इसकी बेसिक क्विक स्पेसिफिकेशन। और बाकी जो है इसका जो केबल है वो ब्रेडेड केबल नहीं है, नॉर्मल टाइप केबल है। ये अपने को 3.5 mm जैक मिलता है एट 90 डिग्री एंगल एल शेप्ड, और अपने को मिल जाता है ये 45 डिग्री पे बेंड हुआ हुआ अपने एक ईयर टिप्स जो कि अंदर का साउंड वाइब्रेटिंग चैनल है वो। तो दोस्तों अब बात निकल कर आती है कि मैंने इसको कितने में परचेस किया है। मैंने इसे परचेस किया है ₹400 में और उस प्राइस को ये आसानी से जस्टिफाई करता है। अगर आपको भी ये परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आप वहां पर से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। तो भैया अगर आपको कोई ईयरफोन चाहिए जिसके अंदर एक बढ़िया सा माइक हो और काफी अच्छे जो साउंड प्रोड्यूस करता हो, तो ये ईयरफोन आप परचेस करने की सोच सकते हैं अगर आपका इच्छा करे तो। बाकी काफी अच्छे से काम करता है, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी दी हुई है। तो दोस्तों और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सॉन्ग अगर आप बोलते हैं कि इसके अंदर प्ले करने से फट रहा है, तो आई गेस उस सॉन्ग की बिट रेट ज्यादा ही कम होगी और उसी के वजह से जो कि उसकी बिट्स पर सेकेंड रहती है वो काफी लो जाएगी और ग्राफ भी नीचे जाएगा, इसलिए जो है साउंड इसके लिए प्रोबेबली फट सकता है उसी रीजन से। बाकी मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले करके देखे हैं, कोई इसमें फॉल्ट मुझे नजर नहीं आया, बस यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन की कमी दिख रही है और बाकी सब तो बहुत सही है। बाकी ईयरफोन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, MI का ओरिजिनल ईयरफोन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक जरूर छोड़िएगा, बहुत मोटिवेशन मिलती है उससे। थैंक यू।